क्या आपको पता है चंपारण तीन चीजों के लिए फेमस है? क्या आप जानते हैं कि इस तो बिहार टूरिज्म ने क्यों शामिल किया है अपने टूरिस्ट प्लेस में? आज भी यहाँ खुदाई चल रही है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और अपने लाइफ में खुश होंगे। और आज हम आपको बताएंगे सम्राट अशोक जिन्होंने एक ऐसी मॉन्यूमेंट बनाई है अपने उस टाइम पीरियड में जो आज से तकरीबन 3000 साल पहले की बात थी, जो वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्तूप है। आज हम इस स्तूप के बारे में बात करेंगे और ये हमारा जो छोटा सा ब्लॉग है इसी स्तूप के बारे में जो कि बिहार में चंपारण में है। और क्या आपको पता है चंपारण तीन चीजों के लिए फेमस है? पहला महात्मा गांधी जी के आंदोलन के लिए, दूसरा चंपारण हांडी मटन के लिए, और तीसरा केसरिया स्तूप जिसे विश्व शांति स्तूप भी कहा जाता है। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ टूरिस्ट का आवागमन चल रहा है, सब लोग आ रहे हैं अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं। लेकिन आज से बहुत साल पहले जब गुप्त डायनेस्टी या फिर मौर्य वंश चल रहा था जो कि 326 ईसा पूर्व की बात है, तो वहाँ पे चाइनीज ट्रैवलर ने भी अपनी बुक में भी मेंशन किया है इस स्तूप के बारे में। तो वो चाइनीज ट्रैवलर थे फाहैन। क्या आप जानते हैं कि इस स्तूप बिहार टूरिज्म ने क्यों शामिल किया है अपने टूरिस्ट प्लेस में, और इसको वर्ल्ड टॉलेस्ट स्तूप क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी हाइट 104 फीट ऊंची है और इसकी चौड़ाई 1400 फीट में या फिर 24 एकड़ में ये पूरा एरिया है कवर। और ये वर्ल्ड का नंबर वन स्तूप है और जो सेकेंड स्तूप है वो अभी शायद से इंडोनेशिया बर्बोसा में है जिसका हाइट 102 फीट के आसपास में है। और ये अभी 7 मंजिल की है। फिलहाल ऐसा बताया गया है हमारे हिस्ट्री में कि ये 8 मंजिल की हुआ करती थी क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आते थे और जो भी उसकी मतलब वजह से एक मंजिल। आप खुद सोचिए ये अभी 2024 चल रहा है, तो यानी कि 2024 साल पहले से भी पहले ये स्तूप जो बना था तो इसका एटमॉस्फेयर के कारण डिग्रेडेशन हो चुका है, तो बहुत सारे चीजें इसमें घास फूस जम गई है। आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस यहाँ पे खुदाई कर रही है, आज भी यहाँ खुदाई चल रही है ताकि गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा अंदर छुपी हुई है या दबी हुई है तो उसको वापस बाहर निकाला जा सके। क्या आप जानते हैं कि इस स्तूप को आज से पहले कोई नहीं जानता? लॉर्ड कनिंघम 1858 में इस स्तूप का पता लगाए थे और 1958 में इसकी खोज की गई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी खुदाई स्टार्ट कर दी थी। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं केसरिया स्तूप आखिर ये स्तूप बना कैसे। गौतम बुद्ध का जो जन्म था जो कुशीनगर में था, तो उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति कर ली थी महाबोधि गया में, तो जब वो लौट रहे थे तो लौटते वक्त वो यहाँ पे केसरिया में ठहरे थे, तो एक रात के लिए गौतम बुद्ध यहाँ ठहरे थे। वहाँ पे उन्होंने बोला अपने अनुयायियों से डिसाइपल से कि अब मैं है ना महापरिनिर्वाण प्राप्त करने जा रहा हूँ। जब वो चले गए तो उस समय में गुप्त वंश चल रहा था जिसे आज भी स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, गुप्ता वंश। उस समय में आज के जो आर्यभट्ट जो एस्ट्रोलॉजर थे वो भी उसी काल के थे, गुप्त वंश के थे। तो यहाँ के गुप्त काल के राजा सम्राट अशोक हुआ करते थे, तो उन्होंने स्मरण के रूप में स्मृति के रूप में उन्होंने ये स्तूप बनवाया। सबको ये याद रहेगा कि यहाँ पे एक रात के लिए केसरिया में गौतम बुद्ध यहाँ ठहरे थे। आप खुद सोचिए कि उस समय मतलब आज से 3000 साल पहले हमारी जो इंडिया की जो कल्चर वो कितनी रिच और हेरिटेज रही होगी जो हमें ये एहसास दिलाती है, जो पूरे वर्ल्ड में जो आज जो हम पीछे हो चुके हैं वो उस समय में कितना महान था हमारा भारत। एक वट का वृक्ष है, बहुत पुराना मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता कब की है लेकिन बहुत ही सुंदर है। उसके बड़े बड़े झाड़ लटके हुए हैं और उसमें पता नहीं किस चीज की पूजा होती है, शायद से देवरिया बाबा का यहाँ पे पूजा होता है और उस वृक्ष में पूजा चल रही, पूजा किया जाता है। और जैसे ही यहाँ पे उसके सामने में मंदिर है, एक छोटा सा मंदिर का निर्माण करवाया गया है और वो भी बहुत अच्छा है। और इसके ठीक सामने सब अगर आप स्तूप देखना चाहें तो इतना सुंदर नजारा आएगा, इतना सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है, अच्छा है। तो आप सब देख सकते हैं फ्रेंड्स कि आज भी गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं खंडित ही सही लेकिन हम देख सकते हैं उसको, किसी में सिर है, कुछ ज्यादा ही
कोई ज्यादा खंडित है, कोई थोड़ा कम है, लेकिन हम उनको देख सकते हैं, उस मूर्तियों को महसूस कर सकते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि इन सारी मूर्तियों में एक कॉमन सी चीज है जो कि सब में, सारी मूर्तियों में, सब में सिर नहीं है, किसी भी मूर्ति में सिर नहीं है। तो फिलहाल यहाँ पार्किंग के लिए कोई सुविधा नहीं है, काम अभी चल रहा है, एक दो महीने में हो सकता है कुछ बने। लेकिन अभी आप सबको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों। और आप सब अपना प्यार और समय ऐसा ही बनाए रखिएगा, और ये आपका ही अपना चैनल है, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट ब्लॉग या कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कहाँ की चाहिए। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कीजिए जी, और उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत पसंद आएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।